हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पेपर नंबर फर्स्ट 2020 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ गाइस, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक रसायन, यानी कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 2023 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। जो ये क्वेश्चन है गाइस, वो सभी विश्वविद्यालय के लिए मान्य हैं, चाहे आप DABV, BU, जीवाजी या अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हैं। इवन राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस वीडियो को देख करके जो है आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सभी जगह जो ये चार यूनिट, कहीं तीन यूनिट, कहीं पूरे के पूरे पाँच यूनिट जो ऑर्गेनिक आपका फिजिकल है उसकी सेम है, तो आप सभी के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। साथ ही साथ में आप अगर अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, आपको केवल पास होना है, तो ये पेपर केवल आपको पास ही नहीं करेगा, 61%, यानी कि आप 60% से भी ज़्यादा अंक अगर ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो पा जाएंगे। इतनी हमारी जो कह सकते हैं गारंटी रहेगी आपको कि अगर आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी रीज़न से नहीं पढ़ पाए, होता है बहुत सी बार ऐसा, तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन। सबसे पहले देखते हैं हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट। अगर आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम प्रारंभिक क्वांटिकी यांत्रिकी एवं आणविक कक्षक सिद्धांत है, MP में तो सिलेबस सभी के लिए सेम है। राजस्थान की कुछ यूनिट्स चेंज हो सकती है, अदर जो स्टेट है वहाँ की कुछ यूनिट्स चेंज हो सकती है, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स के भी काफ़ी मैसेज आते हैं। चलिए अब इस यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक विनिमय कोष्ट के कण के लिए समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। MO और VBT, यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड आपका वैलेंसी बॉन्ड जो थ्योरी है उसका उस मॉडल की तुलना कीजिए। दोनों के बारे में तुलना करनी है, या VBT क्या है या मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या है, जैसे आप इसकी तुलना पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन ईजिली आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका LCO विधि लिखिए, या उदाहरण सहित हाइड्रोजन आयन के बारे में बताइए, या हाइड्रोजन आयन का बनना जो है LCO आपका LCAO विधि के द्वारा बताइए। निम्न को समझाइए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्प्टन प्रभाव, डी ब्रोगली परिकल्पना, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, बोहर मॉडल, हैमिल्टोनियन प्रचलन। ये जो आपको दिख रहे हैं इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की अगर हम बात करें तो इनमें से दो क्वेश्चन आप मान के चलिए, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, साथ ही साथ में जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इनमें से बनने के पूरे पूरे चांसेस है। इसके अलावा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत समझाइए, ये तो आप 9 to 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको ऐसे भी याद ही होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर हमारी सेकंड। स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंपन स्पेक्ट्रम और अवरक्त स्पेक्ट्रम। जब हम इस यूनिट को पढ़ते हैं तो हमारे पास में दो टॉपिक्स आते हैं, एक तो कंपन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना होता है, एक अवरक्त स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना होता है। अब इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकट से आप क्या समझते हैं? निम्न को समझाइए, फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र, समस्थानिक प्रभाव, फर्मी अनुनाद, कंपनों के प्रकार, बल नियतांक एवं बल स्थिरांक। इसका फुल क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस है, स्पेशल फॉर विक्रम यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे कि जो भी कल DABV में एग्जाम होने वाला है, उन लोगों के लिए भी ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वर्ण नियम, स्वतंत्रता की कोटि एंड हुक का नियम, सरल आवृत दोलित्र का ऊर्जा स्तर, बंद लंबाई का निर्धारण, द्विक परमाणु अणु की बंद दूरी घूर्णन स्पेक्ट्रम की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, या द्विपरमाणु अणु का जो या घूर्णन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करो, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका द्रव रोटेटर के ऊर्जा स्तर के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, या ये जो इक्वेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस इक्वेशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि समझाइए, तो द्रव रोटेटर पूछ ले, द्रव रोटेटर से आप क्या समझते हैं, या द्रव रोटेटर जहाँ पर भी लिखा हो या उसके ऊर्जा स्तर की गणना करो, XYZ कुछ भी अगर यहाँ पर लिखा हो तो आप ये वाला जो क्वेश्चन है कर सकते हैं। बल नेतांक का बंद ऊर्जा के साथ क्या संबंध है, यानी कि ये जो भी मैंने बताया था बल नियतांक या स्थिरांक, इसी का ही क्वेश्चन है ये, और स्पेक्ट्रल तीव्रता से क्या समझते हैं। अगला आ जाती यूनिट नंबर थर्ड, रमन व पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। निम्न को समझाइए, फ्रैंक कॉन्डन सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट, वुडवर्ड फाइजर नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो क्वेश्चन ही कर लेंगे इस पूरी यूनिट में तो ही काफ़ी है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ हम लोगों को। इसके अलावा तो ये और भी
अगर हम क्वेश्चन देखें तो स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन, रमन प्रभाव, ध्रुवणता और रमन स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग, ये वाला पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रमन प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत की वर्णन करो। रमन व आयार स्पेक्ट्रम में जो है अंतर लिखिए। किसी द्विक परमाणविक अणु के विशुद्ध स्पेक्ट्रा रमन स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए। सिग्मा पाई व आर आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर और संक्रमण का गुणात्मक विवरण दीजिए। कार्बोनिल यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। यानी कि हम अगर आईआर की हेल्प से यहाँ पे पराबैंगनी की हेल्प से जो है उनकी संरचना कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब आ जाती है यूनिट नंबर 4th। और एक उसके पहले गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। इतने सारे स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं। मैंने अभी देखा कि जो मैंने हिंदी का दिया था उस पर कम से कम 2000 व्यूज़ आ चुके हैं, पर लाइक की तुलना बहुत ही कम है। गाइस, अगर आपको ये पेपर कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखता है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है लाइक करने में, और नहीं पसंद आ रही तो आप डिसलाइक भी ज़रूर करें। और कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, किसी और सब्जेक्ट का सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए ना गाइस, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितना परसेंट पेपर आए ये ज़रूर बताना ना भूलें। साथ ही साथ में प्लीज़ गाइस जो है आप मुझे आपका पेपर जो है वो व्हाट्सअप करना ना भूलें कि आपका जो एग्ज़ाम है कैसा गया और आपका ये पेपर आया। मुझे स्टूडेंट से मांगना पड़ता है, साथ ही साथ में आपका नाम और आप कहाँ से ये भेजना ना भूलें, ताकि मैं पेपर अपलोड करूँ तो आप लोगों को मैं बता सकूँ कि हाँ ये इस स्टूडेंट ने मुझे जो है पेपर भेजा है। राइट गाइस, चलिए यूनिट नंबर 4th देखते हैं। प्रकाश रसायन, यानी आपकी यूनिट नंबर जो 4th है वो है आपकी प्रकाश रसायन। स्टार्क आइंस्टीन के प्रकाश रसायनिक तुल्यांक के नियम को समझाइए। ऊष्मीय व प्रकाशीय अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। निम्न को समझाइए। ग्रोथर्स वेपर नियम, लैम्बर्ट बियर नियम, नॉन रेडियोएक्टिव अंतर परिवर्तन, फोटोसेल, श्रृंखला अभिक्रिया, क्वांटम दक्षता, जेब्लोंस्की आरेख। और जेब्लोंस्की आरेख पर फुल क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जेब्लोंस्की आरेख से आप क्या समझते हो? स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति को समझाइए, है ना। तो इसका पूरा क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस है। प्रकाश ग्राही अभिक्रिया, स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति, अगर फुल क्वेश्चन नहीं बनता है तो ये भी बन सकता है। जेब्लोंस्की आरेख एक अलग से, स्फुरदीप्ति यानी फोटोसेंस एंड फ्लोरोसेंस आपका। अब आ जाती है आपकी लास्ट यूनिट नंबर 5th। ध्रुवी व अध्रुवी अणुओं को समझाइए। प्रेरित विद्रोह आगुण को समझाइए। पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर टिप्पणी लिखिए। निम्न को समझाइए। बोहर मैग्नेटॉन, प्रकाश सक्रियता, प्रतिचुंबकीय गुण, अनुचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व। द्विध्रुव आगुण को समझाइए व इसकी इकाई लिखिए व अणुओं की संरचना ज्ञात करने में इसका क्या उपयोग है समझाइए। ताप विधि द्वारा द्विध्रुव आगुण मापन को समझाइए। तो आपने देखा गाइस, बहुत ही कम क्वेश्चन है ये, मान के चलिए 50 से 60 प्रश्न ही होंगे। ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, ये छोटी छोटी टिप्पणियाँ इन सबको मिलाकर भी, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन करके चले जाइएगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। साथ साथ में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं और वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कर सकूँ। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू गाइज़।